so hello everybody welcome to the video so in the previous classes we have already analyzed the previous year questions हमने previous year questions को analyze किया था और उससे जो है वो दो themes chalk out किए थे कि या तो आपसे जो है वो chromosomal aberration से question पूछे जा रहे हैं या फिर जो है वो genetic counseling से जो है वो आपसे सवाल पूछे जा रहे थे वैसे तो जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो जनरली जब हम पापुलेशन स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं तो उसी के अंदर जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग होलिस्टिकली अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो कंप्लीट कर ली जाती है बट स्टिल क्योंकि जेनेटिक काउंसलिंग क्रोमोसोमल एब्रेशन के साथ काफ़ी जुड़ी होती है मैंटली पॉपुलेशन के साथ काफ़ी जुड़ी होती है सो विल ट्राई टू डू इट हेयर वो यहीं पर हम जो है वो करने की कोशिश करेंगे सो क्रोमोसोमल एबरेशन दे आर अगेन डिवाइडेड इन टू नमेरिकल एंड स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डन दिस हमने देखा था कि मैकेनिजम्स क्या होते हैं और यहाँ से दो तरह से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं एक तो है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर क्रोमोसोमल एबरेशन को लिया जाएगा और वहां से पूछ लिया जाएगा कि क्रोमोसोम ये आपके पास क्रोमोसोमल एबरेशन है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए दूसरे तरह का क्वेश्चन जो आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इंसान के अंदर जो है वो बहुत तरह के क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं तो उसका आप बताइए इस चीज के ऊपर कमेंट करिए तो कमेंट के अंदर बेसिकली आप जो है उस चीज को सबसेंशिएट करोगे कि हाँ भाई इंसान के अंदर क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं देन उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग जेनेटिक काउंसलिंग से भी जो है वो दो तरह के जो है वो थीम्स आपको मिलते हैं दो तरह से जो है सवाल पूछे जाते हैं एक तरह के क्वेश्चन हैं कि आपसे यह पूछा जाएगा कि जेनेटिक काउंसलिंग भला क्या है वाट इज जेनेटिक काउंसलिंग दूसरा जो है वो आपसे ये सवाल पूछा जाता है दैट वाई जेनेटिक काउंसलिंग जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत क्या पड़ गई भाई यानी कि वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग कि जेनेटिक काउंसलिंग का जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है फिर आपके पास व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग तो इस तरह से जो है वो आपसे दो तरह से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं ठीक है जी सो so, इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ फाइल अगर आप पी डी एफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं प्लीज़ डाउनलोड दी ओ टू वाई एस एकेडमी ऐप आप ऐप डाउनलोड कीजिए इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए एंड इन साइड द स्टोर सेक्शन यू विल हैव दिस कोर्स यह कोर्स जो है ये आपको मिल जाएगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिविजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए इन साइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड अ पी डी एफ एक जो पी डी एफ है वो आपको जो है वो मिल जाएगी आने वाला जितना भी रिसोर्स है जो भी है आने वाली क्लासेस के अंदर वो सारा का सारा जो है वो आपको इस सेक्शन के अंदर जो है वो मिल जाएगा ठीक है एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड तक जो है वो इस वीडियो को देखिए एंड में आई विल जनरली टेक अ क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उसको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है उस चीज़ को जो है वो हम डिस्कस करते हैं सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड ठीक है जी चलिए सो वी विल हेयर टॉक अबाउट द इंटरसेक्सेस सो इंटरसेक्सेस का मतलब क्या है कि जब आपके पास इन चार क्राइटीरिया के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाता है क्रोमोसोमल सेक्स लेट से क्रोमोसोमल सेक्स जो है वो आपका बन रहा है मेल ठीक है द सेक्स ऑफ गोनाइड्स लेट से यू हैव ओवरी एज वेल एज टेस्टिस गोनाइड्स दोनों तरह के हैं देन आपके पास फिजोलॉजिकल सेक्स फिजियोलॉजिकल सेक्स का मतलब क्या है कि आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके पास कौन से सेक्स के हैं जैसे आपके पास सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स तो हमने जो जैसे आपके पास वी हैव सीन इन दी uh, कल फिल्टर सिंड्रम कल फिल्टर सिंड्रम के अंदर देखा था कि फिजियोलॉजिकल सेक्स जो है वो डिफरेंट जा रहा है ठीक है गैट जो हैं वो भी मेल हैं क्रोमोसोमल सेक्स वो भी मेल है वाइफ का प्रेजेंस है लेकिन फिजियोलॉजिकल सेक्स डिफरेंट जा रहा है इट so ऑल्सो it it जो क्लैन फेल्टर है इट ऑल्सो बिकम्स द केस ऑफ द इंटरसेक्स वो भी इंटरसेक्स का केस बन जाता है एक्सटर्नल आप क्या हो सो बेसिकली इंटरसेक्स को जो है वो इस तरह से गुनेडल हिस्टोलॉजी के ऊपर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो द फर्स्ट इज द ट्रू इंटरसेक्स और ट्रू हरमेफ्रोडाइट्स ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली यू हैव आपके पास ट्रू का मतलब क्या है कि आपके पास जो है यू आप जो फिनोटिपिकली जिस चीज को आप से यू आर द मेल यू आर मेल यू विल हैव द गोनेड्स ऑफ अ मेल यू विल हैव ऑफ अ मेल बट यू वॉन्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस प्रॉपरली ठीक है अब इसके आगे हम जो है देखते हैं सो द फिनोटीटिपिकली यू आर मेल और फीमेल ठीक है गोनेडल टिश्यूज जो है, वो आपके पास ओवरी भी होती है और आपके पास जो है वो टेस्टिस भी हो जाते हैं ठीक है तो जो आपके पास जो क्रायोटाइप है अगर आप फीमेल हो तो दिस इज द क्रायोटाइप अगर आप मेल हो दिस इज द क्रायोटाइप ठीक है सो so, रेयरली आपको जो है वो ट्रू हर्माफोडाइड के अंदर जो है वो जो जेनेटेलिया है वो मस्कुलनाइज मिलेगा वाई क्योंकि दोनों जो आपके पास टिश्यूज़ हैं दोनों जो आपके पास गोनेड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं ओवरीज भी डेवलप हो जाती हैं और टेस्टिस भी जो है वो आपके पास डेवलप हो जाते हैं ठीक है कई बार जो है वो एक साइड के ऊपर ओवरीज का अंडर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एक बार एक जगह के ऊपर जो है वो आपको टेस्टिस का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो दिखाई देना शुरू कर देता है ठीक है सो वाई इज इट सो ऐसा क्यों होता है आपके पास सो इसका कारण क्या है सो so बेसिकली आपके पास वॉट बार जो है समाइम्स यू है मोजाइसिज्म जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है मोजाइसिज्म का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो बॉडी के अंदर दोनों तरह के टिश्यूज जो है वो मेल के और फीमेल के दोनों तरह के जो आपके पास टिश्यूज हैं दोनों तरह के टिश्यूज का जो है वो आपके पास जो डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो जाता है ठीक है बो द ट इश्यूज सो मोजायसिजम हम आगे चल के मैकेनिज्म क्या है मोजायसिजम का वो हम देखो देखेंगे बट प्रू इंटरसेक्स के अंदर जो है वो आपको जो है वो मोजायसिजम का केस जो है वो दिखाई देता है देन आपके पास मिक्सड गुनेट्स मिक्सड गुनेड्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो अगेन uh, द यानि कि दोनों तरह का जो फिनोटाइप है वो दिखाई देगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप इट इज दी एम्बीग्यूस जेनेटेलिया एम्बीग्यूस जेनेटेलिया का मतलब क्या है कि आपके पास ना प्रॉपरली फीमेल जो गोनेड्स हैं वो बन पाते हैं ना प्रॉपरली जो मेल गोनेड्स हैं वो बन पाते हैं ठीक है मस्कुलर होने का तो बहुत दूर की बात है प्रॉपर डेवलपमेंट भी जो है वो नहीं हो पाता है ठीक है जो, जो स्टीक्स हैं उनका जो है वो आपके पास गोनेडल टिश्यूज के ऊपर स्टीक्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू तो प्रॉपरली डेवलप वेन द स्टीक्स दे आर बाईलेटरल द डिसडर इज प्योर गोनेडल डीजेनेसिस ठीक है तो आपके पास आपके जो है वो अगेन जो गोनेडल डेवलपमेंट है इतना जरूरत नहीं है आपको जाने का तो जो आपके पास गोनेडल डेवलपमेंट है इट इज अगेन वेरी अंडर डेवलप्ड तो गुनेट जो हैं वो बहुत अंडर डेवलप्ड रहते हैं बेसिकली आपके पास गोनेड जो हैं वो दोनों तरह के रहेंगे आपके पास जो है वो टेस्टिस भी जो आपके पास पीनस का डेवलपमेंट है वो भी रहेगा थोड़ा सा जो है वो आपके पास वजाइना का डेवलपमेंट भी रहेगा डेवलपमेंट दोनों का होगा लेकिन अंडर डेवलप्ड होंगे दोनों ही अंडर डेवलप्ड होंगे ठीक है सो वी हैव दी मोज़ाइक क्रायोटाइप मोज़ाइक क्रायोटाइप इसके अंदर जो है वो देखने को मिलता है अब देखेंगे मोज़ाइसिज्म डेवलप कैसे होता है सो यू हैव एग जिसके अंदर 23 है स्पर्म जिसके अंदर जो है वो आपके पास 23 है ठीक है सो 46 बन गए 46 के बाद आपके पास 92 आ गया 92 के बाद फिर से जो है वो आपके पास 42 में जो है माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस इसी तरह से होता है डीएनए रेप्लिकेट करता है और जो है वो डबल हो जाते हैं मतलब जो टू एन होता है वो फोर फोर एन हो जाता है फिर टू एन टू एन हो जाता है इस तरह से सो so, माइटोसिस ऐसे ही होता है ठीक है तो आपके पास फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स बन गए फिर नाइन्टी टू बन गए फिर आपके पास जो है फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स ये जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया दिस इज़ दी नॉर्मल डेवलपमेंट ये नॉर्मल डेवलपमेंट है दूसरा दूसरा आपके पास यहां पे नॉन डिसजंक्शन हो जाता है नॉन डिसजंक्शन कैसे होता है अब मैं आपको समझाता हूं ये आप ये जो करेक्ट ये जो क्राइटेरिया अब मैंने यहां पे बनाया है इट इज ऑफ द डाउन सिंड्रोम ठीक है डाउन सिंड्रोम के अंदर भी मोजाइसिज्म होता है बट नाउ वी विल सी इन द इंटरसेक्स इंटरसेक्स के अंदर मोजाइसिज्म कैसे होता है तो लेट से दिस इज 45, 45 फोर्टी मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका लेट से दिस इज 45 XO. एक्स ओ इन फोर्टी फाइव एक्स ओ इट वॉन्ट डाई ये मरेगा नहीं बट ये क्या करेगा इट विल बिकम ये जो है वो आपके पास अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड ओवरीज का डेवलपमेंट और वेजाइना का डेवलपमेंट करेगा और यहां पर आपके पास कौन बन जाएगा सो यू विल हैव एक्स वाई वाई सो इट विल ट्राई टू लेट से दिस देर दिस इज ये जो है वो आपके पास जनरल मेल है एक्स वाई है ठीक है यहां पे जो है वो आपके पास डेवलपमेंट किसका होना स्टार्ट हो जाएगा मेल का ठीक है तो ये कहेंगे दैट वी हैव टू डेवलप पीनिस हमें जो है वो पीनिस डेवलप करना है ये जो है कहेंगे कि हमें जो है वो वजाइना डेवलप करना है सो so इस तरह से आपके पास जो है वो मजाइसिज्म का डेवलपमेंट यहां पे दिखाई देता है आपको ठीक है सो so, इस तरह से यहां पे जो है वो आपके पास जो मिक्स्ड गोनेड्स हैं मिक्स्ड गोनेड्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं सो so, बेसिकली ना प्रॉपर पीनस बन पाता है बिकॉज हेयर यू विल हैव द कोड फॉर ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट तो आपका ईस्ट्रोजन डेवलप होगा और ईस्ट्रोजन जो है वो आपके पास पीनस की डेवलपमेंट को हिंडर करेगा ठीक है दिस इज व्हाट विल हैपन इस तरह से जो है वो आपके पास मोजायसिजम के अंदर जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो हिंडर हो जाती है ठीक है गेटिंग द पॉइंट ठीक है आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू ऑल ठीक है जो आपके पास ट्रू इंटरसेक्स हैं ट्रू इंटरसेक्स के अंदर भी देर इज डेवलपमेंट ऑफ गुनाइड् गुनाइड्स का डेवलपमेंट होता है बट देयर द मोजाइसिज्म इज लेस मोजाइसिज्म कम होता है वहां पे जिसकी वजह से आपके पास बाहर या तो प्रॉपरली फिनोटिपिकली आपके पास फीमेल आ जाती है या फिर आपके पास जो है वो मेल बन जाता है ठीक है फिनोटिपिकली देन सीडो ट्रू के अंदर क्या था कि आपके पास दोनों थे ट्रू के अंदर क्या था कि आपके पास दोनों थे आपके पास जो थी वो ओवरीज भी थी और आपके पास जो था वो टेस्टिस भी था ट्रू आ गया ट्रू इंटरसेक्स बन गए मिक्सड के अंदर अगेन आपके पास दोनों हैं लेकिन बहुत अंडर डेवलप्ड हैं सीडो के अंदर क्या है कि फीमेल जो हैं वो इन दी सीडोज के अंदर जो है वो आपके पास जनरली फीमेल इंटरसेक्सेस होते हैं और फीमेल के अंदर बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ कि जब जो है वो बच्ची का जन्म हो रहा होता है ड्यू टू सर्टन कंडीशंस जो कुछ आपके पास ऐसी इंटरयूटराइन कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपके पास जो है आ, जो डेवलपमेंट है वेजाइना का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है ठीक है उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे सो द फिनोटाइप इट इज नॉर्मल फीमेल लेकिन एम्बीग्यूस जेनेटेलिया जो है वो एक एक्सटर्नल एम्बिग्यूस जेनेटेलिया जो है वो होता है इंटरनली जो जेनेटेलिया है वो बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल सामान्य होगा एक्सटर्नली आपके पास जो है वो अगेन यू विल हैव द Ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia क्यों होता है के अंदर excessive androgens का presence होता है, ठीक है सो क्रायोटाइप अगेन नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा कॉजेज ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द एंड्रोजेंस इन यूट्रस ठीक है यूट्रस के अंदर ज्यादा एंड्रोजन के का जो है वो अमाउंट हो जाता है कई बार देर आर सर्टन कंडीशनस जिसके अंदर जो है वो स्टिल बथ्स को या फिर मिस कैरेज को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स एक्सटर्नली दे, दे देते हैं एंड्रोजन्स ठीक है तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो जेनेटेलिया का डेवलपमेंट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का जो डेवलपमेंट है वो एम्बीगस हो जाता है कई बार जो है वो आपके पास हाइपरप्लासिया की कंडीशन बन जाती है हाइपरप्लासिया के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है जो आपके पास ए सी टी एच एंड्रोजन्स हैं ठीक है थीके? जो यहाँ पे लिखा हाँ सो ए सी टी एच एंड्रोजन्स जो हैं दो दे इंक्रीज इन द अमाउंट उनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लिटोरिस है एक्सटर्नली जो आपके पास क्लिटोरिस होता है वो जो है वो आगे की तरफ बड़ा हुआ बन जाता है ठीक है तो ऐसे लगता है कि एक आपके पास हल्का सा पीनस का डेवलपमेंट है ठीक है सो so, कई बार मदर का जो एटर्नल कॉर्टेक्स है वो भी जो है वो आपके पास ओवर एक्टिव होता है जिसकी वजह से ये जो है वो एक सीडो इंटरसेक्स जो है वो बन जाता है सीडो क्यों क्योंकि बाहर देखने में इंटरसेक्स लगेगा लेकिन जो अंदर जो है वो आपके पास बिल्कुल नॉर्मल है ठीक है देन मेल सीडोस और दिल सीडो हर्माफ्रोडाइट्स उसके अंदर फीमेल मेल है तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो फिनोटाइप जो है वो आपके पास जो जेनेटेलिया है अगेन जो है वो आपके पास मेल्स का ही मिलेगा गोनेड्स जो हैं वो आपके पास टेस्टिकुलर टिश्यूज होते हैं जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो एम्बीगस होगा बट कितना एम्बीगस है दैट डिपेंड्स फ्रॉम वन केस टू अनदर एक केस से दूसरे केस में वो डेवलप डिपेंड करेगा देन आपके पास क्रायोटाइप क्रायोटाइप इट इज फोर्टी सिक्स एक्स वाई वही मेल वाला क्रायोटाइप कॉज क्या है कि एंड्रोजन्स जो हैं दे आर इनएडिक्युएट वो अच्छे से अच्छे तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाए ठीक है कई बार क्या होता है कि एंड्रोजन से जो है वो इनसेंसिटिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है एंड्रोजन से होता क्या है कि जब गोनेड्स के अंदर एंड्रोजन्स का डेवलपमेंट जरूरी है ठीक है दे आर हार्मोन्स हार्मोन्स का डेवलपमेंट जरूरी होता है तो अब आपके पास अगर एंड्रोजेंस का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है या फिर बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर रही उनके साथ तो बेसिकली जो पीनस का डेवलपमेंट है जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो अच्छा नहीं डेवलप नहीं हो पाता है वो ठीक है जो पीनस है उसका साइज जो है वो छोटा रह जाता है स्मॉल रह जाता है ठीक है तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ई टेस्टिकुलर फेमुनाइजेशन ठीक है इसको हम टेस्टिकुलर फेमुनाइजेशन भी कहते हैं सो दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ द इंटरसेक्स ये इंटरसेक्स के चार टाइप्स हैं हम एक बार जो है वो रिवाइज कर रहे हैं तो कि इंटरसेक्स से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं पहले है ट्रू हरमेफ्रोरेट्स ट्रू का मतलब सच सच में आप इंटरसेक्स का केस है ठीक है आगे चल के सीडो थे सीडो के अंदर क्या था इंटरनली बिल्कुल ठीक है सब कुछ एक्सटर्नली जो है वो आपके पास जो है वो एम्बिगस जेनेटेलिया है ट्रू के अंदर क्या है ट्रू हरमोफो हर्मेफोड्रेट के अंदर या फिर ट्रू जो आपके पास इंटरसेक्सेस हैं उनके अंदर क्या होता है इंटरसेक्सेस यानी कि दोनों जो है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस भी प्रेजेंट होते हैं और आपके पास जो ओवरीज हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं दिस इज प्राइमेरिली ड्यू टू मोजाइसिज्म मोजाइसिज्म की वजह से ये होता है ठीक है इट इज प्राइमेरिली ड्यू टू मोजाइसिज्म गेटिंग द पॉइंट मोजाइसिज्म की वजह से हो गया या फिर आपके पास जो है वो कुछ नॉन डिस्जंक्शन हो गया इन ड्यूरिंग द मायोसिस इट ठीक है तो उसकी वजह से जो है वो आपके पास ये क्रायोटाइप जो है जो आपके पास ये ट्रू हर्मेफोर ट्रू इंटरसेक्सेस हैं वो जो है वो आपके पास बन जाते हैं ठीक है लेकिन जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है बहुत रेयर कंडीशंस हैं कि ये जो है वो आपके पास मस्कुलनाइज जो एक मस्कुलर जो है वो मिलेगा देन आपके पास मिक्स्ड मिक्सड्स के अंदर दोनों कंडीशन हैं आपके पास ठीक है देर विल बी बोथ द कंडीशन ठीक है यहां पे मोजाइसिज्म की वजह से ज्यादातर होता है ठीक है कि एक जो है वो आपके पास कंडीशन बन जाती है टर्नर की और दूसरी जो है वो आपके पास नॉर्मल कंडीशन बन जाती है सो so, टर्नर की कंडीशन और नॉर्मल जो आपके पास मेल की मेल्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो मेल्स के अंदर जब ऐसी कंडीशन बन जाती है देन जनरली यू हैव दिस ठीक है जैसे यहाँ पे मैंने शो करके दिखाया सो so, मोजाइसिज्म की वजह से ये आपके पास जो है वो मिक्स्ड गोनेड्स बन जाते हैं जनरली सवाल जो है वो मिक्स्ड गोनेड्स के ऊपर और मोजाइसिज्म के ऊपर पूछते हैं हम आगे चल के जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ठीक है देन आपके पास सीडो के केसेस हैं सीडो के अंदर फीमेल का केस और मेल का केस दोनों के अंदर एंड्रोजन्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं ठीक है और कुछ नहीं है ठीक है इस तरह से देख लीजिएगा आप इसको देन द क्वेश्चन एक्सप्लेन इंटरसेक्स एंड और द एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरसेक्ट एंड इंटरसेक्स एंड द मोजाइसिज्म मोजाइसिज्म और इंटरसेक्स के बीच का रिलेशनशिप जो है वो आपको समझाना है नाउ दी इंट्रोडक्शन आप इंट्रोडक्शन कीजिए इंट्रोडक्शन के अंदर आप बताओगे कि इंटरसेक्सेज होते कौन है इंटरसेक्सेस के अंदर जब इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है चार चीजों के अंदर क्रोमोसोमल सेक्स आपके पास जो आपका फिजोलॉजिकल सेक्स है ठीक है आपका गुनेड्स का सेक्स है और जो आपकी एक्सटर्नल अपीरेंस है इन चार चीज़ों के अंदर जो है वह आपके पास जब इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है देन यू हैव दलपमेंट ऑफ द इंटरसेक्सेस ठीक है क्वेश्चन किस इंटरसेक्स के ऊपर है क्वेश्चन प्राइमेली डील विद्स इंटरसेक्सेस ठीक है तो आपके पास जो है वो बॉडी स्टार्ट करो बॉडी के अंदर यू विल राइट कि आपके पास जो इंटरसेक्सेस हैं ये आपके पास तीन तरह के हैं अगला आपके पास सब टाइप है तीन तरह के कौन कौन से हैं आपके पास Now first, it is the true intersex, mixed intersex, pseudo, 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 female, male. ठीक है जी Mixed, mixed के अंदर आपके पास क्या आ जाता है सो इन दी मिक्सड यू हैव मोजाइसिज मिक्सड के अंदर जो प्राइमरी रीजन है और बहुत सारी रीजन हैं जो आपके पास प्राइमरी रीजन है वो जो है वो मोजाइसिज्म है ठीक है दैट इज़ दी मोजाइसिज्म सो फिर जो है वो आप मोजाइसिज्म को समझाओगे अब यहां पे देखो आपने इंटर रिलेशन जो है वो यहां पे बॉडी में एस्टेब्लिश कर दिया जब आपने ये लिखा कि जो है वो मोजाइसिज्म की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है फिर आप जो है वो चीज़ों को लिखोगे कि आपके पास मोजाइसिज्म क्या होता है मोजाइसिज्म का मतलब क्या है जब बॉडी के अंदर दो तरह की चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं सो यू विल ड्रॉ दिस डायाग्राम इस डाइग्राम को जो है वो ड्रा करोगे सो so बेसिकली मैंने 21 क्रोमोसोम का किया था उसका आपने नहीं करना है जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसको जो है वो आपने इसके अंदर ड्रा करना है ठीक है तो इसको जो है वो आप ड्रा करोगे उसी तरह से जो है वो ड्रा करोगे इस तरह से ठीक है सो यू विल ड्रॉ द डाइग्राम आपके पास इस तरह से दो चीज़ें आ जाती हैं एक तो आपके पास एक्स ओ का बनना हो जाता है जो कि टर्नर सिंड्रोम आता है जिसकी वजह से एक स्टीक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं ओवरीज के स्टीक्स जो है वो आपके पास बनने स्टार्ट हो जाते हैं ईस्ट्रोजन का जो है वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और एक जो है वो आपके पास एक्स वाई वाई या फिर एक्स वाई ये बन जाता है जिसकी वजह से आपके पास जो है वो पीरियस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है तो ईस्ट्रोजन जो है वो आपके जो पीनस का डेवलपमेंट है उसको दबा देता है उसको प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं होने देता तो आपके पास दोनों जो आपके पास गुनाड्स हैं फीमेल और मेल दोनों बन जाते हैं लेकिन दोनों जो है वो अंडर डेवलप्ड रहते हैं ठीक है इस तरह से आप देन यू कैन गो बाय दी जेनेटिक काउंसलिंग जेनेटिक काउंसलिंग के चीज़ें लिखिए और फिर जो है वो आप जो है यू कैन राइट दी कंक्लूजन फिर कंक्लूजन आप लिख सकते हो ठीक है जी दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर इस आंसर को लिखना है आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं ठीक है सो इस तरह से जो है वो आपको आप, आपका जो आंसर है उसको स्ट्रक्चराइज करना है सो प्लीज़ राइट द आंसर आप अपना जवाब लिखिए एंड सेंड इट इन हेयर यहाँ पे जो है वो आप इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हो ठीक है अगर कोई भी आपको दिक्कत आए अगर कोई भी किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आए यू कैन राइट इट टू मी और कोई भी आपको प्रॉब्लम है कोई भी आपको जो है वो कोई डाउट आ रहा है आप इस नंबर के ऊपर जो है वो सेंड कर दे सकते हो ठीक है कोई इशू वाली बात नहीं है चलिए थैंक यू वेरी मच होप दिस वॉज वर्थ योर टाइम दिस लेक्चर वॉज वर्थ योर टाइम थैंक यू वेरी मच